तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं हूँ तौफीक आर्य और आप देख रहे हैं टीए फोटोग्राफी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं बड़कागांव। बड़कागांव में बादम नाम का एक जगह है और वहाँ पे गट्टी कोचा नाम का एक वाटरफॉल है, उस जगह पे हम लोग आज जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग घर से बाहर निकलने वाले हैं, साथ में देख सकते हैं मेरे दोस्त लोग भी जा रहे हैं और साथ में और लोग दोस्त लोग हैं। तो अभी हम लोग घर से बाहर निकलने वाले हैं। तो गाइस चलो, अभी हम लोग मिलते हैं रास्ता पे। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, बड़कागांव के लिए हम लोग निकल गए हैं। अब चलिए, बड़कागांव पहुंचने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ आगे की बात। गाइज, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ से बड़कागांव एंट्री कर चुके हैं। ये बड़कागांव का पुल है। अगर आप टंडवा की साइड से आ रहे हैं तो ये पुल आपको मिलेगा। और गाइज, आप सभी को तो पता ही होगा कि ये बड़कागांव का डेली मार्केट है। यहाँ पे एवरीडे मार्केटिंग लगा हुआ रहता है। अगर आप लोग आते हैं कभी बड़कागांव तो आप यहाँ से सब्जी वगैरह ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग टंडवा साइड से आ रहे हैं तो आप लोग को देख लेना किधर से जाना, बता दे रहा हूँ। दो रोड मिल रहा है, ये हजारीबाग साइड, हजारीबाग से आता है और ये आपका जाएगा बादम से। तो हम लोग अभी बादम वाला रोड में जाएंगे। तो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़कागांव का दादा बाबा का मज़ार है यहाँ पे। यहाँ पे भी दो आपका मोड़ पड़ता है, तो ये बादम का जाएगा और ये आपका बड़कागांव ब्लॉक का साइड वाला रोड में जाएगा। तो हम लोग को जाना है बादम, तो इधर से हम लोग जाएंगे सीधे। आप लोगों को सीधे जाना है। लगता है ये सफ़र लंबा होगा थोड़ा, देखते हैं कितना लंबा होता है, क्योंकि अभी हम लोग अभी बड़कागांव का पेट्रोल पंप पे ही पहुँचे हैं। अभी अभी हम लोग को बादम जाना है, बादम से फिर हम लोग को गट्टी कोचा जाना है। तो ये सफ़र हो सकता है लंबा होगा और वीडियो हो भी सकता है कि थोड़ा लंबा होगा। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम लोग बादम के लिए निकले हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूल ले रहे हैं, अभी हम लोग पेट्रोल पंप के पास है। तो फ्यूल लेने के बाद अभी हम लोग चलेंगे, आगे का ट्रेवल हम लोग करने वाले हैं। तो चलो फ्यूल ले लेते हैं पहले, इसके बाद आगे का ट्रेवल करते हैं। दुकान से सामान खरीद लिए हैं, देख सकते हैं लॉलीपॉप लिए हैं, खाते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप लोग भी सफर का मजा लें और एंजॉय करें। तो गाइस, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो रोड है। तो आप लोग को यहाँ पे सीधे जाना है। चल, इधर से भी आप लोग बादम जा सकते हैं, बस ये दूर पड़ता है, तो जिसके वजह से हम लोग ये रोड से जाने वाले, ये शॉर्टकट पड़ेगा। आप लोगों को लेफ्ट लेना, लेफ्ट साइड से यहाँ पे जाना आप लोगों को, जो रास्ता था राइट और लेफ्ट, लेफ्ट लेना और सीधे जाना आप लोगों को। आप लोगों को इसी रोड को फॉलो करना है। तो गाइस, ये मोहगाय का कब्रिस्तान है। एक किलोमीटर पड़ता है। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग बादम पहुंच गए हैं। तो यहां से बादम शुरू होता है। तो
देखते हैं यहाँ से हम लोग को आगे किधर जाना है, रास्ता तो हमको भी पता नहीं है, तो जो गाड़ी चला रहे हैं उनको पता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बादम का मस्जिद है। तो बादम एंट्री करने के बाद आप लोगों को सीधे ही जाना है, आप लोगों को इधर इधर नहीं जाना है, आप लोगों को बस सीधा आना है। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बहुत ही दूर आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो पीछे रह गए हैं तो उन लोग का वेट कर रहे हैं, वो लोग आएंगे उसके बाद आगे का जो ट्रेवल है वो हम लोग करने वाले हैं, साथ में फिर यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि आगे का जो रास्ता है हम लोग के लिए नया है और जो साथ में आ रहे हैं उन लोग के लिए भी नया है, तो ताकि वो लोग भूल ना जाए इसलिए हम लोग आगे का जो ट्रेवल है साथ में करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्त लोग भी आ गया है, अब आगे के ट्रेवल हम लोग साथ में करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप लोगों को कच्चा रोड मिलेगा, तो इसी रोड से भी आप लोगों को जाना है। देखते हैं यहाँ से और कितना किलोमीटर है, पूछ के देखते हैं भाई को यहाँ से कितना किलोमीटर है। यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर है। तो गाइस इधर रोड भी थोड़ा अच्छा नहीं है, तो बाइक चला रहे हैं आप तो थोड़ा बढ़िया से चलाना, गिर वुर मत जाना, हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा। यहाँ से पूरा जंगल ही जंगल है, देख सकते हैं आप लोग। रोड खराब होने की वजह से शायद हो सकता है रिकॉर्डिंग अच्छा से ना हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बेहतर वीडियो दूं। ये वो रोड है जिससे भी हम लोग आ रहे थे और ये रोड आपका सीधा जाता है, बट हम लोग को यहाँ से इधर जाना है, देख सकते हैं बाइक जहाँ पे पार्क है बस हम लोग को वो रोड पे फॉलो करना है, तो यहाँ से हम लोग को इधर जाना है, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ से हमको लग रहा है नया रोड मिलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू वीडियो करूँगा। तो गाइस जो हमारा लोकेशन है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ से लगभग तकरीबन आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर हम लोग को यहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा। तो गाड़ी जो हमारा रहेगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेड़ के पास पार्क करेंगे और यहाँ से हम लोग पैदल ट्रेवल करेंगे। देखते हैं कुछ लोग जा रहा है, तो यहाँ दोस्त लोग भी है अपना अपना बाइक पार्क कर रहे हैं वो लोग, इसके बाद हम लोग चलेंगे साथ में। तो गाइस यहाँ से अब हम लोग को पैदल ही चलना पड़ेगा, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है, भाई तो बोल रहे थे कि आधा किलोमीटर का रास्ता है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं पैदल, यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। तो बाकी लोग सब आगे चल गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ, तो चलो मैं उन लोगों के पास जल्दी से जाता हूँ क्योंकि ये रोड मेरे लिए नया है और मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो चलो मैं उन लोगों के साथ चलता हूँ। अफरज कहाँ चल गया तुम यार, छोड़ के भाग जाता है यार, साथ में चलो भुला गए तब। तो आप लोग यहाँ का नजारा देख सकते हैं, काफी सुंदर और काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं वाटर का आवाज भी फील कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। चलो मैं सामने लेके आप लोग को दिखाता हूँ, रखो ना अभी। तो आप लोग यहाँ वाटर का आवाज़ फील कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है। चलिए यहाँ से अब आगे चलते हैं, थोड़ा आराम से चलिएगा। ये रहा, देखो कहीं देर मत जाइएगा।
सही रास्ता है। ठीक है, सही क्या भाई, लोग थोड़ा आराम से चलना, जो लोग जूता पहने उन लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो सभी देख सकते हैं दोस्त लोग आगे चल रहे हैं। जो लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग से मैं तो बिल्कुल ये बात कहूँगा कि एक बार आप लोग आए और एक बार तो आकर आप लोग इस लोकेशन को फॉलो करें, फील करें अपनी आँखों से कि कितना मज़ा आ रहा है। हम लोग को भी मज़ा आ रहा है, आप लोग को भी मज़ा ज़रूर आएगा, बेशक मज़ा आएगा। बहुत मुश्किल का सफ़र है, तो देखते हैं यार। साजिद ए साजिद, अबे रुको, छोड़ दिया हमको यार, ये लोग छोड़ देता है, अकेले बंदा कैसे जाएगा बताओ, रास्ता भी नहीं देखा है। हाँ इधर 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 आओ, तो देख सकते हैं ये साजिद अंसारी है, इसका निक नेम है कटिंग, प्यार से हम लोग इसको कटिंग बोलते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस, आप लोग भी आओ इस तरह का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं। देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए एक नंबर जगह, जूमिंग करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दोस्त लोग भी आगे जा रहे हैं। रियली अमेजिंग प्लेस है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा अभी तक। आगे देखते हैं, जहाँ पे सुने हैं कि आगे वाटरफॉल है, और वाटरफॉल का जो पानी है उसका आवाज़ भी आ रहा है, सामने जाके अभी देखेंगे कैसा है। तो फाइनली हम लोग वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आवाज़ से ही पता चल रहा कि हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँचने वाले हैं। तो चलो और सामने जाके देखते हैं। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत करना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लोग देख सकते हैं वाटरफॉल यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, पूरा अमेजिंग है। चलो सामने जाके देखते हैं। अरे यार कैसे जाए यहाँ से जा रहे हैं, रुकिए रुकिए। अबे क्या हो रहे, अरे यार, अरे मेरा पूरा बैग तुम गंदा कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं, वैसे हम लोग नहाने वाले थे अभी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, साजी अभी पानी में गिर गया, इसलिए गाइस आप लोग भी थोड़ा हिसाब से चलना। मेरा बैग उसी के पास था, देखते हैं सारा कपड़ा वो गिल्ला कर दिया, क्या पता नहीं अगर पानी अंदर चल गया होगा तो पक्का गिल्ला हो गया होगा। मैं जैसे आ रहा हूँ बस आप लोग भी फॉलो करो उसी तरह, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग नहीं गिरे हुए, क्योंकि मैं इससे भी पहले इस तरह का एडवेंचर कर चुका हूँ। वाह क्या मजा आ रहा है यार, वाह वाटरफॉल देख के मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है।
रियली में अमेजिंग है। देखिए यहाँ से वाओ यार पहुंच गए, फाइनली हम लोग पहुंच गए। चलो आगे चलो आगे चलो ना यहाँ से। फाइनली सभी लोग हम लोग यहाँ पहुंच गए और वाटरफॉल देख सकते हैं आप लोग। इससे ऊपर जाइएगा तो और भी मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल के ऊपर चढ़े हुए हैं और यहाँ पे नहा रहे हैं हम लोग और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। साथ में मेरे सभी दोस्त लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस देखिए एंजॉय किसे बोलते हैं करना, इसको बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही सारा मस्ती किए और जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो लोग आ गए हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा और हो सकता है थोड़ा समय यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि आप लोग लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कैसा इसका व्यू है। अभी हम लोग यहीं पर ना आएँ गाइज, अभी मैं आप लोग को बहुत ही मज़ेदार वीडियो व्यू दिखाने वाला हूँ। तो जैसे देख सकते हैं मेरा भैया को पूरा फरेसे पूरा कपड़ा धो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। पहले आपने कभी देखा नहीं होगा किसी को, मतलब घूमने के लिए जो आते हैं एडवेंचर में, यहाँ पे एडवेंचर में भी आए और साथ में कपड़ा भी धो रहे हैं, दोनों काम साथ में हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए सर्फ एक्सल साबुन यूज कर रहे हैं। सर्फ एक्सल साबुन के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छा से पता ही होगा। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग बहुत देर से बारिश पानी पे हैं और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ठंड भी लग रहा है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ से पानी से निकलेंगे और अभी नीचे उतरेंगे, इसके बाद नीचे हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे। तो चलो यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो फाइनली गाइस मैं नीचे उतर गया हूँ और बाकी लोग नीचे उतर रहे हैं और भाई लोग भी नीचे उतर गया है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग तो नहाकर रेडी हो रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जूता पड़ा हुआ, जूता ले लेते हैं। ये रहा, चलते हैं आगे। तो गाइस अगर आप लोग आ रहे हैं घूमने के लिए इस जगह पे तो हिसाब से आइएगा क्योंकि आपका सेफ्टी आपके ऊपर ही है, क्योंकि आपके साथ में आपके दोस्त रहेंगे। अगर आपको चोट लग जाएगा तो आपका दोस्त लोग को भी परेशानी होगा आपके वजह से, इसलिए आप लोग हिसाब से आए अपना सेफ्टी देखते हुए। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है और हम लोग यहाँ से अपने घर के लिए निकलने वाले हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस चलो मिलते हैं फिर से इसी तरह एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।